बॉस, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसका नेक्स्ट पार्ट वो पढ़ने वाले हैं। कौन से नंबर का लेक्चर है? दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 12। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस या ह्यूमन में डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हम नेक्स्ट जो पार्ट है दिस इज द लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान हो हमने लास्ट क्लास में इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंटेस्टाइनल ग्लैंड। मतलब वो ग्लैंड जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ दिखा देता हूँ और उसके बाद अपने तरीके से हम उसको समराइज करेंगे और उसी तरीके से आपको भी याद करना है। तो कॉपी और पेन ये आपको लेके बैठना है और उसके बाद फटाफट नोट डाउन करना है। अभी जब दिखाऊंगा तब नहीं नोट डाउन नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तब नोट डाउन करना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द वेरियस सेल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर फर्स्ट एब्जॉर्टिव सेल्स प्रेजेंट इन द एपिथीलियम। दिस सेल्स रिलीज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड एंड कंटेन माइक्रोवेलाई टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइनल काइंड। थिक लिक्विड प्रोड्यूस ड्यू टू मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक। सिंपल जो लिखा हुआ है मैं उसको रीड कर रहा हूँ, थोड़ा उसके मीनिंग में समझा रहा हूँ और उसके बाद अपने तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ? आज हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में, यानी वो ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, हम ऑब्वियसली जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो लार्ज में तो होती नहीं। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट ऑल ग्लैंड्स आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां की बात कर रहे हैं। वेरियस सेल्स, अब ये ग्लैंड जो है सेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला एब्जॉर्प्टिव सेल, एब्जॉर्प्टिव मतलब इसे मीनिंग समझ में आती है, एब्जॉर्प्शन जो करता होगा। प्रेजेंट इन द एपिथीलियम, दिस सेल्स रिलीज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड एंड कंटेन माइक्रोवेलाई टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन काइंड। टाइम इज व्हाट, उसके आगे लिखा हुआ थिक लिक्विड प्रोड्यूस ड्यू टू मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक। ध्यान देना है कि हमने जो हिस्टोलॉजी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, तो उस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो विलाई होती है, विलाई एग्जैक्टली कहाँ होगा? जेजुनम और इलियम में होगा, ड्यूडेनम में ये अबाउट एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है, दिस म्यूकोजल लाइनिंग इज कॉल्ड द म्यूकोजल एपिथीलियम। इस म्यूकोजल एपिथीलियम के ऊपर हम देखेंगे कुछ और फाइन ब्रश लाइक अपियरेंस होती है विच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई। तो ये एक विलस हो गया और इस विलस के ऊपर और भी फाइन स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरीके से जो फाइन स्ट्रक्चर्स होंगे इनको हम माइक्रोविलाई कह सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस कारण से ये जो हम ब्लैक कलर से छोटे हेयर्स बना रहे हैं, ये हेयर्स लाइक हैं और ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। विलाई ऑलरेडी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए था, माइक्रोविलाई ने उसको और भी बढ़ा दिया। तो अब इस एपिथीलियल को नाम क्या दें? तो ये एपिथीलियल तो है, की बॉर्डर हो सकता है, कॉलमना हो सकता है, और ये सीलिएटेड है। तो इसी सीलिएटेड को हम अभी यहाँ पर्टिकुलर नेम देंगे ब्रश, उसके आगे लिखेंगे बॉर्डर एपिथीलियम। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इन म्यूकोजा एपिथीलियम ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ पर प्रेजेंट है। इनमें सबसे ऊपर की तरफ टॉप पर ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट यहां से हम कर सकते हैं। इन सेल्स को हम कह सकते हैं कि दिस आर एब्जॉर्प्टिव सेल्स। अब ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या काम करेंगे कुछ देर बाद उसका जो मैं आपको एक समरी पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान देना है। एब्जॉर्प्शन का काम करता है मेन, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन, वो सारे कुछ एंजाइम्स जो कि डाइजेशन के रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? उसी सिक्रीशन से आ रहे हैं। मतलब ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, ये एग्जैक्टली दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन मतलब एग्जैक्टली ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो उस ग्लैंड का पर्टिकुलर सेल, सेल का नाम है एब्जॉर्प्टिव सेल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें, द एंजाइम्स सिंथेसाइज बाय द एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड द ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अमंग दिस एंजाइम्स आर द फोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखा हुआ है, जिनमें डेक्सट्रिनेज एक एंजाइम का नाम हो गया। वैसे ही माल्टेज,
अब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स भी सीख लेंगे और अभी हम फिजियोलॉजी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम जो खा रहे हैं उसमें अगर स्टार्च था उसका ब्रेकडाउन हुआ तो पॉलीफॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, डाई फॉर्म में। तो डाई फॉर्म में अगर देखा जाए तो डाई सैकेराइड, उसका एक एग्जाम्पल माल्टोज। तो माल्टोज को ब्रेकडाउन करने के लिए जो एंजाइम लगेगा वो क्या होगा, माल्टेज। तो एंजाइम के नॉमिनिक्लेचर के बहुत ही ईजी होते हैं। तो यहाँ अगर माल्टेज लिखा है इसका मतलब ये कर रहा है माल्टोज को ब्रेकडाउन कर रहा है। सिमिलरली सुक्रोज आपने सुना होगा, तो यहाँ सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा, सुक्रेज, है ना, वो ओ नहीं है, एग्जैक्टली इट शुड बी ए। तो ये सुक्रेज जो है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द सुक्रेज सुक्रोज। तो सुक्रोज को ब्रेकडाउन करता है। वैसे मिल्क में जो प्रेजेंट शुगर है दिस इज कॉल्ड द लैक्टोज। तो लैक्टोज को ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम क्या होगा, लैक्टेज। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। और कितने डाइसैकेराइड हैं अपने सिलेबस में ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ जाएंगे। लेकिन अभी वो इररेस्पेक्टिव है करके हम उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपली देख रहे हैं कि कुछ एंजाइम्स हैं और एक आपको दिमाग में आइडिया रखना है कि ये डाई से मोनो में कन्वर्ट करने के लिए है। देखो यहां पर कोई भी पॉली से डाई में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉली से डाई में कन्वर्ट करने वाला काम या तो बकल कैविटी में हुआ था बाय द सलाइवरी एमाइलेज, या फिर उससे छूट जाए तो पैनक्रियास का वो काम है जो कि पॉली को डाई में कन्वर्ट करे। यहां पर उस पैनक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद जो बच गया है यानी डाई फॉर्म्स, उन डाई फॉर्म को मोनो फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स है। सिमिलरली दूसरा देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड द पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब क्या था, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन किया था पार्शियली इन स्टमक, और स्टमक में जब पार्शियली ब्रेकडाउन हुए उसके बाद जो पेप्टोन्स थे उनका फर्दर ब्रेकडाउन किया गया पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। और पैनक्रियाटिक जूस के बाद भी हम देख रहे हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में वो सिक्रीशन हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे अमाइनो पेप्टाइडेज, या फिर हम कह सकते हैं डाई पेप्टाइडेज। तो ये दो एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन करने के लिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंड टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, द न्यूक्लियोसाइडेज एंड द फॉस्फोफोटेज। यहाँ पर जो डीएनए आरएनए होते हैं उनके भी रेस्पेक्टिव एंजाइम डीएनए आरएनए वो कहाँ से आएंगे, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम ने वो काम किया, लेकिन उसके बाद जो बचा जब डीएनए ब्रेकडाउन हुआ इधर न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियोसाइडेज। सिमिलरली जो फॉस्फेट था उस फॉस्फेट को ब्रेकडाउन करने के लिए फॉस्फोटेज। ये सारा एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, फ्रॉम दिस ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। इसीलिए इन सारों को हम क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड द ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम। क्लियर, ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल किसका पार्ट है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का है। क्लियर, ऑल्सो एज एब्जॉर्प्टिव सेल्स स्लग ऑफ इन टू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दे ब्रेक अपार्ट एंड द रिलीज एंजाइम्स एंड दैट हेल्प डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट इन टू द काइन। तो यहाँ पर वो जो बोलस था जो कि बकल कैविटी से पहुंचता था स्टमक में, स्टमक में एचसीएल के साथ रिएक्शन हुई थी और वहाँ पर कुछ ब्रेकडाउन हुए थे तब जाके उसको हमने काइम कहा। अब वही काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है ये बाइल पैनक्रियास के साथ कंबाइन होगा, ब्रेकडाउन की प्रोसेस चालू हो जाती है, नाउ दिस इज कॉल्ड द काइल। तो वो काइल इस तरीके से फॉर्म होता है। तो इस फॉर्मेशन के लिए जरूरी था कि ये पर्टिकुलर सिक्रीशंस इस एब्जॉर्प्टिव सेल से आए। ये डिफरेंट सेल्स क्या हैं, तो ये एक डायग्राम की हेल्प से मैंने रिप्रेजेंट किया है। जैसा अभी हमने जो पढ़ा एब्जॉर्प्टिव सेल्स दिस यू कैन लेवल हेयर, तो ये आप जो देख रहे हैं ये एब्जॉर्प्टिव सेल है। ये पूरा का पूरा एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट वाली ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में वो डिफरेंट कंपोनेंट सेल वाइज अगर देखा जाए तो एक क्या हो गया एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दूसरा क्या होगा उसे हम कहेंगे गॉबलेट सेल्स, इसके अलावा क्या रहेंगे तो उनमें रहेंगे पेनेथ सेल्स। क्लियर, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो ये सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ध्यान दें इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली यानी एक साथ कलेक्टिवली वी आर सेइंग दिस द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लेकिन अब उस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी आपको कुछ पार्ट निकाल दे रहे हैं। ये कुछ लेबल दिखाई दे रहे हैं, इसको आप देख लें, उसके बाद उसको दूसरे तरीके से भी हम रीड करते हैं। देखिए लेबल यहां पर एब्जॉर्प्टिव सेल्स कहां पर है, टॉप में, इसके बाद ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज एक्चुअली द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इसी को हम क्या बोलेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लेबरगन। उस क्रिप्ट्स ऑफ लेबरगन के म्यूकोजल लेयर पर देखें तो आपको दिखाई देंगे पेनेथ सेल्स, है ना, माल्ट्स वो वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन लेमिना प्रॉपरिया वाले रीजन में दिखाई देंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि देयर विल बी सम अदर लिम्फोइडल नोड्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड द
पियर्स पैचेस, तो वो अलग चीज हो गई, पियर्स पैचेस वो अलग कंपोनेंट हो गया। इसी के नेक रीजन पे हम कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स देखेंगे जिनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, तो वो अलग चीज हो गई इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अलावा। तो इस तरीके से कैटेगराइज करना है। अभी आप ध्यान रखें, एब्सॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पेनेट सेल्स। आप ये कह सकते हैं कि सर इसको लेवल क्यों नहीं, क्या है? जैसे हमने स्टमक पढ़ा था, तो स्टमक में हमने कहा था कि चारों सेल के बाद जो पांचवा जो बेस पे था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जी सेल। जी सेल क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या था? हार्मोन था। तो हार्मोन तो ब्लड में सिक्रेट होता है, क्लियर? जो ग्लैंड है ये एंजाइम सिक्रेट कर रही है, क्योंकि डाइजेशन वो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एग्जैक्टली जो स्टमक में कुछ कंट्रोल था उसके लिए वो हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, तो वो एंडोक्राइन नेचर का हुआ। सिमिलरली यहां पे भी जो इंटेस्टाइनल जूस होगा वो इनके थ्रू कंट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो नहीं होगा वो हार्मोन दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस एंटेरोएंडोक्राइनस सेल्स। तो ये उसका हार्मोनल पार्ट हो गया, जो कि ब्लड में हार्मोन्स के थ्रू इस इंटेस्टाइन में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्लियर? इसलिए मैंने उसको वहां इंक्लूड नहीं किया, लेकिन सारा कुछ हम समराइज करेंगे तो उन सबको मेंशन करना है। आगे देखें तो हमने एक एब्सॉर्प्टिव सेल्स के बारे में आइडिया हो गया हमको। दूसरा टाइप जो सेल है उसको हम गॉबलेट सेल्स कहेंगे। गॉबलेट मतलब सिंपली जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं उनको कहा जाता है। दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम एंड सिक्रेट द म्यूकस। द इंटेस्टाइनल जूस और द सक्कस एंटेरिकस इज फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स एज वेल एज द ब्लड वॉटर सेल्स। हमने इससे पहले वाला सेल्स पढ़ा, एब्सॉर्प्टिव सेल्स, उसने सिक्रीशन किया। उसके अलावा गॉबलेट सेल ने क्या सिक्रीट किया? म्यूकस। तो वो म्यूकस और वो पूरे जो इससे पहले सिक्रीट हुए थे कंबाइनली, उसको हम क्या कहेंगे? सक्कस एंटेरिकस, या फिर सक्कस एंटेरिकस एक टेक्निकल टफ नेम हो गया, सिंप्लीफाई करके आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रीशन क्या कहलाएगा? इंटेस्टाइनल जूस, या उसी इंटेस्टाइनल जूस को टेक्निकली हम क्या कहेंगे? सक्कस एंटेरिकस। स्पेलिंग ये लिखी हुई है। तो सक्कस एंटेरिकस इज नॉट कमिंग ओनली फ्रॉम अ वन टाइप ऑफ सेल, उसके लिए एक एब्सॉर्प्टिव सेल्स लगेगी और दूसरी क्या लगेगी? गॉबलेट सेल्स लगेगी, क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद थर्ड देखें, ये सिक्रीशन नहीं कर रहा तो इसका कुछ और दूसरा रोल है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जब होगा तो हो सकता है कि बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये एंटर कर जाए हमारी बॉडी के अंदर, ये सीधे सीधे ब्लड में जाएंगे और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, आराम से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए डिफेंस की यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो पेनेट सेल्स क्या है? दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड को ही हम क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन में हम देखें तो वहां जो म्यूकोजल एपिथीलियम है, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो हमने तीन पार्ट किए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो सिर्फ किसके लिए मॉडिफाइड था? रिसीव करने के लिए मॉडिफाइड था। उस रिसीव वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ये स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, द सिक्रीट लाइजोजाइम्स। और इनका काम क्या है? कि ये लाइजोजाइम्स सिक्रीट करता है। लाइजोजाइम्स यानी वो एंजाइम्स जो किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लाइसिस कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? लाइजोजाइम्स कहेंगे। अ बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम एंड आर कैपेबल ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो लाइजोजाइम्स जो है वो बैक्टीरिया किल करने में कैपेबल है, बैक्टीरिया को किल करना, तो बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस लिखा है, मतलब ये पेनेट सेल बैक्टीरिया को इनगल्फ भी कर सकती, खा सकती है। तो इस तरीके से या तो खा के डाइजेस्ट कर दो, या फिर बाय सिक्रीटिंग सम लाइजोजाइम्स दे कैन ब्रेक डाउन द बैक्टीरिया और सम काइंड ऑफ पैथोजेंस। तो इस तरीके से ये डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दिस सेल्स मे ऑल्सो हैव अ रोल इन रेगुलेटिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, यानी गट के बैक्टीरिया या गट के जो भी पैरासाइट्स हैं, जो हमारे लिए जरूरी हैं, दे आर पैरासाइटिक। कुछ जरूरी होते हैं, कुछ जरूरी नहीं होते। जरूरी नहीं होते बीमार पड़ेंगे और हमको एंटीबायोटिक लेके उनको रिमूव करना होगा। लेकिन अगर हेल्दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे गट में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। स्टिल देर आर सम बैक्टीरिया, दे आर सिम्बायोटिक, मतलब वो हमारे साथ हमें बेनिफिट पहुंचाने के लिए जरूरी है। तो उनकी पॉपुलेशन जो रिक्वायरमेंट है एडिक्वेट वही होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो दिक्कत है, कम होगी तो दिक्कत है। तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी ये पेनेट सेल रेस्पॉन्सिबल है। तो चाहे बैक्टीरिया वांटेड हो अनवांटेड हो, सभी की पॉपुलेशन कंट्रोल करने और उसको चेक करना ये पेनेट सेल का काम हो गया।
इसके बाद चौथा टाइप का सेल हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। मतलब ये एक एंडोक्राइन नेचर का होगा, ये हार्मोन सिक्रेट करने वाले टाइप के सेल हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड इन द इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट सिक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये क्या क्या हार्मोन सिक्रेट कर सकते हैं, तो लेट्स सी कितने हमने नाम बोले। हमने कहा कि थ्री टाइप्स, तीन टाइप क्या हो सकते हैं इसमें देखे। पहला जो है दैट इज कॉल्ड द एस सेल, एस सेल द सिक्रेट सिक्रेटीन, ये सिक्रेटीन सिक्रेट करता है। दूसरा वो आई सेल कह सकते हैं, या यहां पर लिखा सी सी के सेल, तो आप ध्यान रखें दिस कैन बी आई सेल। एस सेल सिक्रेटीन, आई सेल और द सी सी के सेल द सिक्रेट द कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या है, दिस इज हार्मोन। सिक्रेटीन इज वॉट, हार्मोन। ये एंजाइम नहीं है, ये कहां सिक्रेट हो रहे हैं, ब्लड में सिक्रेट हो रहे हैं, और ये किसी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। लाइक सिक्रेटीन की अगर बात करें तो ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सिक्रीशन उनको कंट्रोल कर रहा है। दैट सिक्रीशन विल हैव द मोर अमाउंट ऑफ पैनक्रियाज एंड लेस अमाउंट ऑफ बाइल। लेकिन अगर सी सी के यानी कोलेसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन किया गया तो वो जो सिक्रीशन होगा पैनक्रियाज और बाइल दोनों तो आएंगे, लेकिन दैट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ बाइल एंड लेस अमाउंट ऑफ जूस। अभी थोड़ी देर बाद इसमें दोबारा से डिस्कशन करेंगे। देन तीसरा जो टाइप ऑफ सेल है, दैट सेल इज कॉल्ड के सेल। तो यहां देख पा रहे हैं के सेल लिखा हुआ है। के सेल क्या सिक्रेट करता है, तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है, पेप्टाइड है एग्जैक्टली, हार्मोन नहीं है, लेकिन इस फैक्टर के कारण ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब ओवरऑल यू कैन से द ब्लड लेवल जो होता है ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दिस इज कॉल्ड द जीआईपी। जीआईपी का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। तो दिस इज सिक्रेटेड बाय द के सेल। तो क्या सीखा हमने, एस सेल, दूसरा आई सेल और तीसरा के सेल। तीन सेल्स हैं, ये हार्मोन सिक्रेट कर रही हैं, इसीलिए इनको हम बोलेंगे एंडोक्राइन तो है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो ये भी पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। द लैमिना प्रोप्रिया, अब म्यूकोजल एपिथीलियम के बाद म्यूकोजा में जो स्पेस था जहां पर ब्लड वेसल्स या बाकी चीजें होती हैं, विच इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू, उसी को हम तो बोलते हैं ना लैमिना प्रोप्रिया, दैट स्पेस कॉल्ड द लैमिना प्रोप्रिया। अब उस लैमिना प्रोप्रिया में क्या स्पेशलिटी है, क्या वहां पर स्पेशल थिंग है, वो भी लिखा हुआ है। द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा कंटेन द एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू दैट हैज एन अबंडेंस ऑफ म्यूकोजल associated lymphoid tissue, and this is in abbreviated form called the MALT, M-A-L-T, MALT, that stand for mucosa ya mucosal associated lymphoid tissue. Lymphoid ka matlab kya hai, lymph produce karne wale tissue, matlab defense. To ye jo lymph produce karne wale lymphoid tissue hain ye aggregate ho jate hain, और उस एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, जो कि एग्जैक्टली कहां पर है, म्यूकोजा में प्रेजेंट है, नॉट इन एग्जैक्टली इन द लैमिना प्रोप्रिया, वो उस लाइनिंग प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे मार्ट। ये मार्ट किसके अगेंस्ट काम करेगा, जो पैथोजेंस है उनको किल करने काम आएगा। लेकिन अगर उसी रीजन में हम देखें, यानी इलियम रीजन पे ही हम देखें, एग्जैक्टली लैमिना प्रोप्रिया में, तो वहां पर क्या हो सकता है, सॉलिटरी लिम्फैटिक नोड्यूल्स, अकेले कुछ कुछ लिम्फैटिक नोड्यूल हो सकते हैं, नॉट एसोसिएटेड वाला, म्यूकोजा के साथ एसोसिएटेड नहीं, जो इंडिपेंडेंट लिम्फैटिक नोड्यूल्स हैं, या फिर वो भी बंच के फॉर्म में हो सकते हैं। तो जब ऐसा होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, तो दीज आर रिफर्ड एज एग्रीगेटेड और इंडिपेंडेंट, जो भी हो इन्हें हम कहते हैं पियर्स पैचेस, दीज आर कॉल्ड द पियर्स पैचेस। तो माल्ट म्यूकोजा के साथ एसोसिएटेड लिम्फैटिक टिश्यू था, लेकिन वही लिम्फैटिक टिश्यू इंडिपेंडेंट या फिर एग्रीगेटेड फॉर्म में लैमिना प्रोप्रिया में अगर है तो उसको हम कहेंगे पियर्स पैचेस। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही लिम्फैटिक टिश्यूज हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के टाइम पर पैथोजेंस जो हमें बीमार बना देते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी बॉडी में डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है। तो इतने सारे जो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कशन किए ये आप सभी को मालूम होने चाहिए। आप यकीन मानिए जो मार्क्स हैं या फिर जो पियर्स पैचेस हैं इन पर डेफिनेटली क्वेश्चंस जो नीट हैं उनमें पूछे जाते हैं। द सबम्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम कंटेन्स द ड्यूडेनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्रूनस ग्लैंड। इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको हिंट किया था कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अलावा
यानी इंटेस्टाइन में और भी दूसरी ग्लैंड्स होती हैं, एग्जैक्टली जैसा अगर उनके नाम बोले तो वो ब्रूनस ग्लैंड भी हैं। तो ब्रूनस ग्लैंड विच सिक्रीट एन अल्कलाइन म्यूकस दैट हेल्प न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द काइम दिस ग्लैंड ओपन इन टू द क्रेप्स ऑफ लिवर गॉन। क्लियर। नेक्स्ट जो है दिस इज लिवर। लेकिन लिवर पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा अब देखिए उसको अपने तरीके से हम स्टडी करते हैं। रेडी। तो अभी टाइम है कि आप अपने कॉपी और पेन निकालें और फिर जो भी हम यहां लिखेंगे उसको नोट डाउन करना है। रेडी। ओके। हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो वो एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहां पर प्रेजेंट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। उनको हम कह सकते हैं कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्लियर। अब इसमें एक आइडिया आपको यह रखना है कि इंटेस्टाइन में क्या क्या कंपोनेंट थे। तो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हमने डिवाइड किया था, हमने उसको डिवाइड किया था ड्यूडेनम में, उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया था जेजुनम में सेकंड पार्ट, फिर लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इलियम, इसी तरीके से था सबसे लॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और सबसे स्मॉलेस्ट दैट सी शेप्ड इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। क्लियर। क्या क्या चीजें याद रखनी है ग्लैंड वाइज? ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड जो सिक्रीशन करते हैं चाहे वो हार्मोन सिक्रीट करे या फिर एंजाइम सिक्रीट करे, सिर्फ हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी ग्लैंड है? तो ग्लैंड्स को अगर हम लेबल करें, पहला वो होते हैं ब्रूनस ग्लैंड। ये पहला नाम हो गया। क्या नाम है इसका? ब्रूनस ग्लैंड। क्या काम है अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहला नाम आपको याद रखना है। दूसरा ग्लैंड का नाम क्या रखना है? क्रिप्स ऑफ लबरकॉन। क्लियर। या इसी क्रिप्स ऑफ लबरकॉन को हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसके कंपोनेंट अभी हमने देखे थे, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो वही उसी के कंपोनेंट थे। अब इसके बाद तीसरा वो आप उसमें से एक जो ऐड किया था उसको अलग निकाल लेते हैं। हम यहां पर ले देते हैं एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर। ये रहेंगे, पहले देखें जो ब्रूनस ग्लैंड है, इस ब्रूनस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? तो जो फूड था जब स्माइल जब स्टमक में था तो स्टमक में HCl के साथ वो कंबाइन हुआ था, मतलब हमने उसको कहा था काइम। तो काइम में जो एंजाइम्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस से आते हैं, उनके फंक्शनिंग करने के लिए इनएक्टिव से एक्टिव करना ताकि वो ब्रेकडाउन की प्रोसेस कर सके, वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब एनवायरमेंट कैसा हो, एसिडिक हो, तो वो सही था। लेकिन जब वहां से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम ने क्या रिसीव किया था? ड्यूडेनम ने पैनक्रियास का सिक्रीशन रिसीव किया था, मतलब यहां पर जो काइम है दैट काइम इज प्लस विथ पैनक्रियाटिक जूस, उसको हम पीजे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बाद प्लस बाइल जूस, और उसके बाद जब ये ड्यूडेनम से आगे बढ़ जाएगा तब इसमें और क्या प्लस हो जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस। तब जाकर अब इसको हम बोल सकते हैं दिस कंबाइनली कॉल्ड द
काइल, क्या वर्ड देंगे? काइल। तो काइल में एंजाइम्स की फंक्शनिंग कब होती है? जब पीएच अल्कलाइन हो। तो जो एसिडिक फूड आ रहा है उस एसिडिक फूड को पहले न्यूट्रलाइज करके फिर अल्कलाइन करना, यानी बहुत सारे अल्कलीज जो है उनको रिलीज किया जाएगा, यहां पर अल्कली जो फ्लूइड्स होंगे उनको सिक्रीट किया जाएगा। तो ये कौन करता है? ब्रूनस ग्लैंड का काम है कि अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करे। इसके अलावा जैसे एसिड से बचने के लिए स्टमक में कंटिन्यूसली म्यूकस का सिक्रीशन हुआ था, तो स्टमक की वॉल को एसिड से बचाने के लिए म्यूकस उतने ही प्रपोर्शन में सिक्रीट किया गया था। सिमिलरली यहां पे भी लुब्रिकेशन भी चाहिए, और लुब्रिकेशन के साथ साथ अगेन इंटेस्टाइन की वॉल को उस अल्कलाइन फ्लूइड से बचाने के लिए म्यूकस की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल यू कैन से द ब्रूनस ग्लैंड्स विच आर एग्जैक्टली लोकेटेड ऑन, कहां पर ये जो ब्रूनस ग्लैंड है कहां पर लोकेटेड होती है? मैं इतने पोर्शन को यहां से रेज कर रहा हूं क्योंकि काइम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, तो ये ब्रूनस ग्लैंड एग्जैक्टली कहां पर प्रेजेंट होंगी? यहां पर। ठीक है, प्रेजेंट इस सिंबल आ गया। जेजुनम जो था यहां पर उसकी प्रेजेंस कम हो जाएगी सिर्फ, और यहां पर क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। क्लियर? तो ब्रूनस ग्लैंड के सामने मैंने ऐसा लिख दिया ड्यूडेनम में ये मैक्सिमम प्रेजेंट होंगी, एग्जैक्टली उसके लिए बना हुआ है, जबकि जेजुनम में उनकी प्रेजेंस कम हो जाएगी और इलियम में नेग्लिजिबल हो जाएगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं उसको। दूसरा, इनको वैल्यू दे सकते हैं ना। देखो मैक्स, मैक्स के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर, अगर इसको मैं रेज कर दूं तो इस तरीके से भी हम यहां वैल्यू डाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अभी से कि जो मैक्सिमम रहेगा उसके लिए मैं 3 लिखूंगा, मीडियम के लिए या 2 देंगे, और मिनिमम के लिए हम लिखेंगे 1। तो यहां ड्यूडेनम में ब्रूनस ग्लैंड मैक्सिमम है 3, यहां पर क्या हो गया? 2। या इलियम में कितना हो गया? 1। 0 नहीं है। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, अब ये क्या काम करता है? तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन में हम लोग कौन कौन सी सेल पढ़ी ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला नाम क्या दिखाया था मैंने? एब्जॉर्प्टिव सेल। तो ये क्या कंपोज करता है? एब्जॉर्प्टिव सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल ने क्या सिक्रीट किया था? इसने म्यूकस के अलावा, म्यूकस तो सिक्रीट किया था, लेकिन म्यूकस के अलावा क्या सिक्रीट किया था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या थे? बताओ, गैस करो कि क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम थे। यहां पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का जब पार्शियल डाइजेशन हुआ उसके बाद जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचा तो पैनक्रियाज ने उसको ब्रेक डाउन किया, तो पॉली से डाई फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहां पर वो डाई फॉर्म वाले को यानी डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स है। तो डाइसैकेराइड 3 है। कितने हैं? 3 है। 3 में क्या? एक का नाम है दैट इज माल्टोज। तो इसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा? वेरी गुड। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? सुक्रोज। इसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? ठीक है, एंजाइम का नाम मैं सामने लिख देता हूं। माल्टोज के लिए लिखेंगे माल्टेज, सुक्रोज के लिए आप लिखेंगे सुक्रेज, सिमिलरली लैक्टोज के लिए आप क्या लिखेंगे? लैक्टेज। क्या आपको मालूम माल्टोज ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस करता है? मोनोसैकेराइड। कौन से मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या ब्रेक डाउन, क्या यील्ड करेगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड बने, मोनोसैकेराइड को और फर्दर कुछ नहीं करना, उसको ब्रेक डाउन नहीं करना, दे विल गेट डायरेक्टली अब्सॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको आइडिया हो गया कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें मेनली जो भी ब्रेक डाउन होगा दैट विल यील्ड 3 बेसिक डाइसैकेराइड्स, एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ 3 बेसिक डाइसैकेराइड द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच मींस द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्रिप्स ऑफ लेबरकुन व्हिच हैज दैट ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स सिक्रीट 3 काइंड ऑफ एंजाइम्स। दिस इज द माल्टेज, द सेकंड इज लैक्टेज, थर्ड इज द सुक्रेज। क्लियर? इस तरीके से याद रखना। अब देखो प्रोटीन जो था,
प्रोटीन को स्टमक में ब्रेक डाउन किया था तो प्रोटीन वो किसमें टूटा था, पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, इनमें। यहां पर आपको ध्यान देना है अमाइनो पेप्टाइडेस और द डाई पेप्टाइडेस, पॉलीफॉर्म नहीं है, अमाइनो पेप्टाइडेस या फिर डाई पेप्टाइडेस। क्लियर, ये दो चीज हो गई। इसके अलावा पैनक्रियाज जूस ने डीएनए को भी ब्रेक डाउन किया था क्योंकि उसके पास डीएनएज है, आरएनए को ब्रेक डाउन किया था क्योंकि आरएनएज है। जब ब्रेक डाउन हुए तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोसाइड बना, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए यहां पर क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से याद करें, समझना है और उसके बाद खुद का पैटर्न बनाना है। कुछ आइडिया लगा कौन कौन सी चीजें होंगी? तो ये सारा कुछ कहां से आ रहा है, उस क्रिप्स ऑफ लेबरकुन से आ रहा है। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो थी उसी के म्यूकोजा पे क्या प्रेजेंट थे, कुछ डिफेंसिव सेल प्रेजेंट थे। उन डिफेंसिव सेल की अगर बात करें, इसको इरेज करते हैं, ये रिलेटिव था। डिफेंसिव सेल की बात करें तो इसी में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको सिंपली नाम याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है पेनिथ सेल्स, याद रहेगा पेनिथ सेल्स क्या है, डिफेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। ये पेनिथ सेल्स के अलावा अगर देखा जाए तो और क्या प्रेजेंट था, तो पेनिथ सेल में ही हम देखेंगे कि अगर म्यूकोजा ऑफ इलियम, इलियम वाले म्यूकोजा में जो पेनिथ सेल है वही मार्स कहलाता है, एम ए एल टी एस, मार्स मतलब क्या हो गया, एस यहां पर कोई मीनिंग नहीं निकलती है, मार्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू जो कि म्यूकोजा के साथ चिपके हुए हैं, है कहां, लेमिना प्रोपरिया में है, लोकेशन लेमिना प्रोपरिया, लेकिन वो बहुत ऊपर है, इतना पास में म्यूकोजा के कि हम बोलेंगे म्यूकोजल एसोसिएटेड, तो नाम पड़ गया म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट हो गया। लेकिन वैसे ही लिम्फोटिक नोड्यूल्स जो कि डीप में हो सकते हैं लैमिना प्रोपरिया के, सिंगल हो सकते हैं या एग्रीगेटेड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पियर्स पैचेस, पियर्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, तो इस कारण से उसका नाम ये दिया गया। इतने पॉइंट्स आपको किसके साथ रखने हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकुन के साथ याद रखने, क्लियर। अब देखो यहां पर एंडोक्राइन नेचर मतलब हार्मोन वाला पार्ट आ गया, तो हार्मोन वाले पार्ट में ध्यान रखना है, ये सिक्रीशन ये ब्लड में होगा, ये इनमें नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या सिक्रीट करते, तो यहां पर एक एस सेल, दूसरा क्या था आई सेल, और तीसरा क्या था के सेल, क्या नाम है, एस सेल आई सेल एंड के सेल, ये दिखाई दे रहा है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा थिकर करें, ये एस लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था आई एंड दिस वॉज के। एस क्या सिक्रेट करता है, सिक्रेटीन, ये हार्मोन कुछ लोग को आइडिया होगा पढ़ाई अगर आपने की है, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज की डक्ट जो होती है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, व्हाट दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये कहां पर ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट, इसी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ऊपर से यहां गॉल ब्लैडर है लिवर के ऊपर और उसकी डक्ट ओपन होती है, हम उसको पर्टिकुलर पढ़ेंगे, सिस्टिक क्या होती है, हेपेटिक क्या होती है, तो ये बाइल डक्ट क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि बाइल डक्ट उस पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन हो गया, मतलब ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो ये जो कॉमन था ग्रीन एज वेल एज रेड, दिस इज कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, उसमें बाइल डक्ट के लिए एक स्फिंक्टर यहां प्रेजेंट है जो बाइल के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और एक ये यहां पर एम्पुल ऑफ वाटर होता है, इस जगह पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है, एम्पुल ऑफ वाटर पर प्रेजेंट है, उस स्फिंक्टर का पर्टिकुलर जब हम उसको पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो आपको बताया जाएगा। आइडिया यह है कि बाइल सिक्रीट करना है या नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है,
पैनक्रियास सिक्रीट करना है या नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन किया जाता है दैट मे बी विदाउट बाइल, यानी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ज्यादा बाइल कम, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या बाइल यहां नेग्लिजिबल भी हो सकता है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन पैनक्रियास का सिक्रीशन हो तो बाइल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पैनक्रियास का सिक्रीशन नहीं है और बाइल हो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर ओपनिंग जो है वो किसके ऊपर है, पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर है। तो इससे आइडिया क्या लगा कि आपको यह समझना है कि तरीके क्या हो सकते हैं, तरीके ये हो सकते हैं कि पैनक्रियास को, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करो और उसके साथ थोड़ा बाइल या कुछ भी बाइल नहीं सिक्रीट करो। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पैनक्रियास का सिक्रीशन कम हो, ना हो पॉसिबल नहीं, कम हो और बाइल का सिक्रीशन ज्यादा हो, पहले वाली कंडीशन का ऑपोजिट। तो पैनक्रियास का अमाउंट ज्यादा हो बाइल का कम हो, दिस इज कंट्रोल बाय द सिक्रेटिन, उसका वाइस वर्सा, पैनक्रियाटिक जूस का अमाउंट कम हो और बाइल का सिक्रीशन ज्यादा हो, दिस इज कंट्रोल बाय आइसल सिक्रीशन व्हिच इज कॉल्ड द सीसीके। सीसी का फुल फॉर्म क्या था, कोलेसिस्टोकाइनिन, काइल, काइल का मतलब क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होता है उसी को बोलते हैं काइल, काइल एग्जैक्टली रिलेटेड टू बाइल, बाइल जब मिलता है तभी काइल कहते हैं, इसीलिए यहां पर बाइल के, बाइल के सिक्रीशन को जिसने एम्पलीफाई किया उस हार्मोन को हम बोलेंगे सीसीके, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। लेकिन सिंगल सिंगल कंट्रोल नहीं करते, तो जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के टाइप्स हम डिस्कशन करेंगे, आप देखेंगे कॉम्बिनेशन में लिखा रहेगा। तो सिक्रेटिन दिस स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इन लार्ज क्वांटिटी एंड लेस क्वांटिटी टू द बाइल, जबकि सीसीके स्टिमुलेट करेगा तो ये बाइल सिक्रीशन को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को कम स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, के बिल्कुल अलग हो गया, उसने कहीं ना कहीं ग्लूकोज का लेवल जो होता है ब्लड में उसको मेंटेन किया बाय सिक्रेटिंग अ फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड द जीआईपी। तो ये एस सेल और आई सेल ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर, समझ में आया? इरेज करें सब कुछ, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं इरेज करता हूं। इससे रिलेटेड अगर डाउट्स है तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन और एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, मैं वो डायग्राम दोबारा से दिखाता हूँ, मैं डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ तो आप उसमें, आप उसको देखेंगे एक बार, ठीक, इसको इरेज करें, ऑल अग्री, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज हो गया। अब देखो जो हमने डायग्राम देखा था, वापस वहीं चलते हैं, ये वो डायग्राम, ठीक, आपको ये आइडिया रखना है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई थी वैसी कुछ थी, क्लियर। अब इस विलाई में यहां पर देखो ये अंदर की तरफ चले गया, मतलब ये म्यूकोजल लाइनिंग है, इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, लेकिन ये अंदर की तरफ गया ऐसा, फिर ऊपर आया ऐसा, क्लियर। तो ये जो पोर्शन है इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नाउ कॉल्ड, ये जो है यहां कुछ अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, ये हो गया आपका क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, समझ में आया। लेकिन इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आप अपेक्स पे प्रेजेंट सेल्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, दे आर कॉल्ड द एब्जॉर्प्टिव सेल्स, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकता, कुछ जगह पर ये डिप्रेशन पूरा इंक्लूड होगा, इसलिए एब्जॉर्प्टिव सेल्स ये हो गए, ये पूरा कंबाइनली क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। उसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, दिस इज द एब्जॉर्प्टिव सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन कहां रहेंगी, यहां पर रहेंगी, एंटेरो एंडोक्राइन, ठीक है। मार्स कहां रहेंगे, तो मार्स ये म्यूकोजा के साथ एसोसिएटेड होंगे, जैसे यहां पर ये मार्स हो गए। पीएस पैचेस कहां होंगे, तो पीएस पैचेस यहां होंगे नीचे की तरफ, लैमिना प्रोपरिया में, इसके नीचे क्या था, मस्कुलारिस इंटरना, तब जाके सब म्यूकोजा, देन
मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पियर्स पैचेस, ये हो गया माल्स। अगर यहीं पर एग्जैक्टली म्यूकोजा के ऊपर रहता तो उसको हम बोलते हैं पेनेथ सेल्स। क्लियर? तो पेनेथ सेल, माल्स, पियर्स पैचेस, ये आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया था उसमें ध्यान दो, ड्यूडेनम था, उसके बाद क्या था, जेजुनम था और इलियम था। ब्रूनस ग्लैंड कहां पर ज्यादा होती है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ब्रूनस ग्लैंड यहां पर थी, यहां कम, यहां लगभग जीरो। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन सबसे ज्यादा कहां रहेंगे? तो वो ज्यादा रहेंगे यहां पर, इससे कम रहेंगे और यहां पर जीरो। क्लियर? समझ में? मतलब डाइजेशन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? जेजुनम पे। एब्जॉर्प्शन चालू हो गया लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? इलियम से, इसलिए डाइजेशन वहां कम हो रहा है एज कंपेरिजन टू जेजुनम। लेकिन ड्यूडेनम में सिर्फ रिसीव करने का काम किया इसलिए वहां पर डाइजेशन नहीं हो रहा था, इसलिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं रहेगी। यानी ये जो पेनेथ सेल है, ये पेनेथ सेल कहां पर रहेंगे मैक्सिमम? इलियम पे कि जेजुनम पे? जेजुनम में। अगर हम पेयर्स पैचेस की बात करें तो पेयर्स पैचेस कहां रहेंगे मैक्सिमम? इलियम पे, नॉट जेजुनम। जेजुनम पे मार्स हो सकता है ज्यादा और मार्स वहीं पर इलियम पे वो ज्यादा रहेंगे। यानी मार्स के दोनों के अगर देखें तो जेजुनम और इलियम दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इलियम में आप एग्जैक्टली ध्यान रखें कि यहां पर मार्स भी होता है और साथ में पियर्स पैचेस भी होते हैं, दोनों यहां एग्जैक्टली होते हैं। जेजुनम के लिए आप बोल सकते हैं कि पेनेथ सेल यहां पर प्रेजेंट होगा, ड्यूडेनम पे ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं है। यहां पर ब्रूनस ग्लैंड वो ज्यादा है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये कहां पर होंगे? इस ड्यूडेनम वाले रीजन पे होंगे। तो ड्यूडेनम वाला रीजन जो है वहां पर विलाई नहीं है तो उस सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। उन्होंने वो हार्मोन सिक्रीट किया ताकि गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, उसके सिक्रीशन को, क्योंकि यहीं से तो इनपुट जाएगा। ड्यूडेनम रिसीव कर रहा है ना कि क्या आ रहा है, इसलिए उसने इनपुट दिया किसको? गॉल ब्लैडर को और फिर पैनक्रियास को। क्लियर? इसके अलावा एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में कुछ और भी हार्मोन सिक्रीशन किए जाते हैं, डियोक्राइनिन, विलिकाइनिन, ऐसे कुछ नाम है। एक एंजाइम ब्रूनस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट किया जाएगा और वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ही जो पैनक्रियास के एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन किस फॉर्म में सिक्रीट हुआ था? ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन अल्कलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, तब जाकर फिर वो ऑटो कैटालिसिस करेगा, कीमोट्रिप्सिनोजेन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, तो बाद में अपने आप हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम तो उसको चाहिए था सिग्नलिंग, दैट सिग्नलिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज कहां सिक्रीट होना चाहिए? ड्यूडेनम पे, क्योंकि पैनक्रियास रिसीव तो वहीं हो रहा है। अगर उसका सिक्रीशन ही या मतलब एंटेरोकाइनेज अगर लेट पीछे की तरफ सिक्रीट किया जाएगा तो फूड तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो इसीलिए वो उसकी लोकेशन, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप गैस कर सकते हैं कि उसकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगी। समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. तो वो जो डायग्राम हमने देखा था उस डायग्राम में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पर देखें पेनेथ सेल, लेकिन पेनेथ सेल कहां पर, कौन से बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 मीटर लॉन्ग था, तो हम ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, जेजुनम की बात कर रहे हैं या इलियम की बात कर रहे हैं? सिमिलरली माल्स की पोजीशन, सिमिलरली पियर्स पैचेस की पोजीशन या फिर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स इनकी पोजीशन, तो आपको ध्यान रखना है। मोस्टली दिस आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनल लाइनिंग, ड्यूडेनल म्यूकोजा पे प्रेजेंट रहेंगे। अब आगे जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने लिवर की बात की है ना, ये सब कुछ मैं आपको दिखा चुका था। लिवर की बात करते हैं, तो लिवर हम पूरा सारा कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम थोड़ा कम है। तो लिवर में हम आज लिवर कहाँ होता है, लिवर की एनाटॉमी क्या है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स एटलीस्ट वो डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ऑफ लिवर से चालू करेंगे। क्लियर? रेडी? देखें लिवर क्या है। तो लिवर सभी जानते हैं, मैं डायग्राम दिखाऊंगा, इजी समझ में आ जाएगा। पहले देख लें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। लिखा है इन एन एवरेज अडल्ट, एवरेज अडल्ट की बात करें तो लिवर का वेट वो कितना हो सकता है? 1.2 to 1.5 किलोग्राम। मेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। फीमेल्स में लिवर का वेट कम होगा, मेल्स में लिवर का वेट ज्यादा होगा। यानी मिनिमम आप बोल सकते हैं 1.2, मैक्सिमम बोल सकते हैं 1.5 किलो। क्लियर?
साइज वाइज अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी ग्लैंड वाइज जितनी भी ग्लैंड होती हैं एंडो एक्सो दोनों को मिला दिया जाए सबसे बड़ी ग्लैंड और हैवीएस्ट ग्लैंड वो कौन सा है, लिवर है। ना ही एक्सो की बात कर रहे ना ही एंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है लिवर एडल्ट में एक्सोक्राइन नेचर का होता है, लेकिन हमेशा से एक्सोक्राइन नेचर नहीं था, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एंडोक्राइन नेचर का था, इन्फेंसी के टाइम पर वो एंडोक्राइन नेचर का था, लेकिन एडल्ट में वो कंप्लीटली किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्सोक्राइन। इसलिए इसको हम हेटरोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें शिफ्टिंग हो गई, चेंज हो गया, क्लियर। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी में, सिर्फ डाइजेशन में नहीं, सर्कुलेशन की बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो सभी जगह इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। लिवर दैट कैन परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शंस, लिटरली 500 से ज्यादा फंक्शंस लिवर परफॉर्म करता है। किसी पर्सन का लिवर अगर हेल्दी है इसका मतलब वो ओवरऑल हेल्दी है, उसके बाकी सिस्टम भी नॉर्मल काम करेंगे। लिवर में खराबी तो बाकी जगह जितने भी हैं, चाहे रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर एक्सक्रीशन, बाकी चीजों पर भी उसका इंपैक्ट होता है। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपने पहला ट्रेस किया वेट, दूसरा चीज देखें लार्जेस्ट ग्लैंड, उस पर क्वेश्चन कैसे जनरेट होंगे, इसलिए मैंने वो क्लैरिफिकेशन आपको दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इट इज द सेकेंड ओनली टू द स्किन एंड द साइज। ये आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। स्किन के बाद दूसरे नंबर पे कौन, तो दूसरे नंबर पे क्या है, दैट ऑर्गन वाइज जो कि लिवर एक ग्लैंड है, लेकिन ऑर्गन वाइज की अगर बात करें तो लिवर कम्स एट द सेकंड पोजीशन, लिवर दूसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट ऑर्गन वाइज। इट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम, मोस्टली ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे स्टमक था, स्टमक के बिल्कुल सामने, स्टमक की लोकेशन डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड, उसी स्टमक के बिल्कुल सामने यानी डायफ्राम के नीचे और राइट साइड क्या प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है। लिवर सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, डेलिकेट ऑर्गन है, ग्लैंड है, तो ऑब्वियस है कि ये सॉफ्ट से ही बनेगा, कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड टिश्यू से कॉम्बिनेशन से बना होता है। देखें, अ कनेक्टेड टिश्यू कैप्सूल कवर्स द लिवर व्हिच टर्न कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। तो बाकी जो एब्डोमिनल में कवरिंग थी वैसे यहां पर भी जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम ने उस लिवर को कवर किया। द लिवर इज डिवाइडेड इंटू टू प्रिंसिपल लोब्स बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। बहुत सॉफ्ट सा था, उस सॉफ्ट को जब होल्ड करने के लिए लिगामेंट ने पकड़ बनाई तो उस पकड़ बनाने के कारण वो सॉफ्ट होने के कारण दब गया, उस दबने के कारण पूरे लिवर को हम दो पार्ट में देख सकते हैं। तो पार्ट ना कहते हुए वी कॉल दिस लोब, एक लेफ्ट की तरफ होगा राइट की तरफ, डायग्राम में वो क्लियर हो जाएगा। देखें डायग्राम सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये दिखा रहा है कि हमने इतने पोर्शन कट किया और उसके बाद आगे स्लाइड बनाई, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। अगर इसको हम नजरअंदाज करें तो पूरा का पूरा जो डेलिकेट ग्लैंड है उसको यहां से पकड़ा गया है, जिसने पकड़ा है उसका नाम है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। उस फैल्सिफॉर्म के पकड़ने के कारण पूरा लिवर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट, यानी ये वाला कहेगा लेफ्ट लोब और ये वाला कहलाएगा राइट लोब। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब इसको ओपन करके देखेंगे वी कैन फाइंड और भी दो लोब होते हैं, एक ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर, काउडेड, काउडेड इस तरीके से नाम है। अभी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे लिवर इज डिवाइडेड ओनली टू लोब्स लेफ्ट एंड राइट, बड़ा कौन सा है राइट साइड और राइट लोब इज द बिगर देन द लेफ्ट लोब। जिस पॉइंट से ब्लड वेसल्स एंटर होती है उसको हाइलस बोलते हैं। क्या क्या एंटर होगा, यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हेपेटिक आर्टरी आएगी, यहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाएगा तो क्या होगा हेपेटिक वेन होगी। एक हेपेटिक, हेपेटिक वर्ड यू यूज कर रहे हैं, हेपैटो इसका मतलब होता है लिवर, तो एक होगा हेपेटिक आर्टरी जो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, दूसरा होगा हेपेटिक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाएगा। तो हम देख रहे हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, उसका कनेक्शन है, सुपीरियर वेना कावा वो ऑक्सीजन ला रहा है तो वहां से हेपेटिक आर्टरी इमर्ज होगी और एंटर करेगी, इन्फीरियर वेना कावा वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जा रहा था। यहां जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक ही है, वो आप क्या देख रहे हैं ब्लू कलर से, दिस इज
इन्फीरियर वेना कावा, नीचे क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा नहीं होती, तो ये क्या है जो रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज इन्फीरियर वेना कावा। और जो हार्ट से आ रहा था ऑक्सीजन लाने के लिए वो क्या था, ये ऑर्टा दिखाई दे रहा था, दिस इज द डोर्सल ऑर्टा, उससे वहां पर हमको हेपेटिक आर्टरी दिखाई दे रही है, ये हाइलस सेंटर की है। इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो इस एब्जॉर्ब फुट को यहां पर लाने के लिए हेपेटिक पोर्टल वेन है, तो दिस यू कैन सी हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ध्यान रखें हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन, ये तीनों का इनोवेशन यहां पर होता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो आपको यहां पर दिखाई देते हैं, उनको ध्यान रखना है, इनका फर्दर यूज होगा, फिर हम उसका एक थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालेंगे और हम देखेंगे कि उस लिवर में क्या सेल्स होती हैं। तो एग्जैक्टली द सेल इज कॉल्ड, दैट यूनिट ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स, इसका डिटेल स्ट्रक्चर एनाटॉमी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ हेपेटिक लोब्यूल्स था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और हेपेटिक लोब्यूल्स को प्रॉपर आपको ड्रॉ करके उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वो आपको दिखाए जाएंगे। तो अभी इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू पे थैंक्स फॉर योर काइंड